दोस्तों फिलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये वो प्राचीन महाभारत कालीन गांव है जिसका नाम हुआ करता था पाणप्रस्थ, जिसको आज हम पानीपत के नाम से जानते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों के समय में एक किला हुआ करता था। और इस किले में कुछ ऐसे रहस्य और पुरातत्व महत्व की चीज़ें आज भी दबी हुई हैं जिसके बारे में न पुरातत्व विभाग अधिक जानता है न दुनिया के लोग। इसी किले के ऊपर एक प्राचीन मॉन्यूमेंट आज भी है और आज चलते हैं उसके अंदर, देखते हैं क्या है। ये आज तक आपने न किसी वीडियो में देखा होगा न सुना होगा। ये देखिए, ये इसमें स्ट्रक्चर में एक जीना बना हुआ है बहुत पतला, और हालांकि चढ़ना भी आसान नहीं है, और ये काफी पुराना है। ये देखिए, ये फिलहाल मैं यहाँ आ गया हूँ। ये स्ट्रक्चर में आगे चढ़ने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, और ये इसकी छत पर, मुंडेर पर मैं आ गया हूँ, लेकिन इसकी छत पर नहीं चढ़ूँगा मैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा आधी से भी ज़्यादा है इसकी मोस्टली छत गिरी हुई है, और ये शायद कभी भी गिर सकती है, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। ये देखिए एक मीनार लग रही है और इस पे फूलों की कुछ कलाकृति सी की हुई है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, शायद आप देख पा रहे हो ये है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ रंगीन चित्रकारी इस मीनार पर की हुई थी जो समय के साथ लगभग ख़त्म हो गई है, मिट गई है, और सिर्फ आज ये छत बची है थोड़ी सी, ये जीना बचा। और ये देखिए मेरे पैर, मैं कहाँ खड़ा हूँ, और ये वो छत है, बाकी इधर देखिए छत टूटी हुई है, ये इधर झाड़ झंकाड़ इस पर हो गए हैं। यहाँ से ये पानीपत शहर जो कभी देश के सबसे प्राचीन गांव में से है। अब जिस तरह आए थे बड़ी मुश्किल से, किसी तरह वापस चलते हैं। देखिए पैर रखने की भी जगह नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा नीचे। क्या अटक गया, ये देखिए, ये बहुत ध्यान से कदम रखने पड़ेंगे, मिट्टी भी पड़ी हुई है और ऊपर से पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, पैर भी पूरा नहीं आ पा रहा है जीने की पैड़ी पर। और ये रुक जा, आ गए पीछे, चलिए आइए मेरे साथ। ये देखिए ये प्राचीन स्ट्रक्चर, मोटी मोटी ईंटें, छोटा छोटा ये सब शायद बहुत प्राचीन है। कुछ लोग माफ कीजिए, जहाँ पर आज हम आए हैं यहाँ पर फिलहाल बीहड़ जंगल जैसा ये है। ये क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, देखिए लगता है सालों से यहाँ शायद कोई आया नहीं है। ये छत देखिए इसकी आधी टूटी हुई है, और इसके नीचे मैं खड़ा हूँ,
और भगवान ना करे ये गिर जाए। और इधर देखिए दीवारें इतनी मोटी मोटी, ये टूटी हुई है मोस्टली। ये डेफिनेटली एक प्राचीन ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है, लेकिन बिना देखरेख में, बिना नॉलेज के ये ख़त्म हो गया है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। ये देखिए आपको वहाँ दो सुनसान अंधेरे कबूतर बैठे हुए दिख रहे हैं, ना बोल रहे हैं ना कुछ, बिल्कुल चुपचाप हैं शायद हमें देखकर। थोड़ा सा मैं और पैदल चलकर आपको दिखाऊं ये जगह कैसी है। और ये कबूतर मुझे देख के अब भी नहीं उड़ रहे, बड़ा आराम कर रहे हैं, शायद रिलैक्स हैं। ये यहाँ पर ये देखिए लोगों ने फिर आसपास अपने घर बना लिए हैं यहाँ पर। और ये यहाँ से ऐसा दिखता है, जो आप सब घर देख रहे हैं ये सब मोस्टली, ये सभी किसी किले की ज़मीन पर बना हुआ है। और ये देखिए हर जगह ये हमें किसी प्राचीन स्ट्रक्चर पर जाते हैं मिली जाती है शराब की बोतलें। ये हर जगह हमारा वेलकम, ये हर जगह हमें मिली जाती है। लोगों की माने तो यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन अवशेष भी पुरातत्व महत्व के लोगों को मिले हैं। कुछ लोगों ने तो बताया कि यहाँ पर पुराने समय में कंकाल भी लोगों को मिले हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पर कीमती सामान भी लोगों को मिले हैं खुदाई में। देखिए यहाँ पर एक पता नहीं कितने साल पुराना या शायद कैसा घड़ा पड़ा हुआ है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब का है कैसा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो जगह है ये इतनी प्राचीन है, अगर यहाँ पर खुदाई की जाए या यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले तो डेफिनेटली कुछ ऐसा मिल सकता है जिसके बारे में अधिकतर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये हर जगह का वही सीन है, बोतलें शराब की, तो ऐसे लोग इस ऐसी जगह को भी ढूंढ ही लेते हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ा आश्चर्य का विषय है, जहाँ पर पुरातत्व विभाग के लोग भी नहीं पहुँच पाते वहाँ पर नशा करने वाले लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ फ़िलहाल बताया कि ये जो लोकल लोग जो लोकल हैं वे इस जगह को एक मस्जिद के रूप में मानते हैं। ये क्या जगह हो सकती है, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है ये, क्या हो सकता है ये? देखिए मैं साफ तौर पे ये तो नहीं कहूँगा कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, पर क्या होता था जब किले राजा महाराजा किला बनाते थे अपना, तो किले में पूजा स्थल, कुंभ स्थल या किसी भी तरीके के ऐसे स्थल रहते थे जहाँ पे बैठ के पूजा पाठ किया जा सकता था या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की जाएगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो सराउंडिंग एरिया में लोग इसको मस्जिद के तौर पे जानते हैं। इसको मैं दिखाऊँ, ये यहाँ पर देखिए, हालांकि ये यहाँ पर फोकस करें, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है शायद, ये कलमा, एक कलमा लिखा हुआ है। ये यहाँ पर जूम करें जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं, ये कलमा लिखा हुआ है, ये दर्शाता है कि साफ तौर पर उस टाइम में इस तरीके का पेंट यूज नहीं होता था। अच्छा। इस तरह के ब्रश और इस तरह की लिपि यूज नहीं होती थी उस टाइम, खुदाई के दौरान ही आप कलमा या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते थे। अच्छा। पर क्योंकि ये जो इसका वास्तविक रूप है उसके ऊपर पेंट करके लिखा हुआ एक कलमा है, जो ये स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एक मंदिर जैसा प्रतीत या हिंदू धर्म की मान्यता का अकॉर्डिंग बना हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरीके के आले और दिए बालने के लिए इसमें बने हुए हैं, और जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ये एक देवालय के रूप में बनाया जाता है, जिस तरीके के की कलाकृति और वो फूल और कमल के फूल जैसी एक, जो कि अभी तो खैर खंडर हो चुकी है, बनाई हुई है, वो बिल्कुल एक मंदिर जैसी प्रतीत होती है। तो वैसे भी जैसे पांडवों को बनाया हुआ किला है, ये किला भी है और इसके नीचे खुदाई में अवशेष भी प्राप्त हो चुके हैं पुरातत्वों द्वारा, और इसके ऊपर रिसेंटली एक पानीपत के युद्ध के ऊपर अभी एक फिल्म भी बनी है जो कि रिलीज होने वाली है। जी जी हाँ। तो इसका तो इतिहास खैर बिना किसी विरोध के अपने आप ही सामने ही है सबके। आज कुछ और देखिए, कुछ और बचा हुआ हो तो वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब तो यहाँ चारों तरफ कांटे हैं, खंडर है, दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। आइए मेरे साथ। और ये तो हर जगह मिली जाती है शराब की बोतलें, शराब का नाम है स्पेशल जगाधरी नंबर वन। आइए बारिश और धूप के कारण ये सारा
मिट गया है, दिख नहीं पा रहा होगा आपको स्ट्रक्चर पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी चटकदार रंगों से कलाकृति पेंटिंग्स पुराने समय की थी। इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कुंडा लोहे का जो किसी तरीके के कंडील या घंटी को टांगने के लिए यूज होता है। अच्छा, और मुख्य द्वार पर हमेशा इस तरह का आपको जरूर मिलेगा, किसी भी आप मंदिर में या देवालय में जाएं तो वो उस तरह का एक डिज़ाइन यहाँ पे मिल भी रहा है, कुंडा लगा हुआ है। और शायद हो सकता है कि यहाँ पे घंटी टांगने के लिए या बड़ा घंटा टांगने के लिए। और कलर लाया हुआ, बहुत काम की बातें इन्होंने बताई हमें स्ट्रक्चर के बारे में, जो शायद हमें अगर अकेले आते तो बिल्कुल पता नहीं लग पाती, लेकिन संयोग से हमें इस जगह पर घूमते हुए ये मिल गए और ये यहीं के निवासी हैं, तो इन्होंने जो जानकारी दी हमें वे शायद हमें बिल्कुल पता नहीं लग पाती। बहुत बड़े एरिए में ये पानीपत का एक किला था, महाभारतकालीन सब इंक्रोचमेंट की वजह से ख़त्म हो गया और यहाँ पर अब देखने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपने इसके बारे में ना कभी सुना होगा ना कोई वीडियो देखी होगी, लेकिन हम पहली बार कोशिश की कि इस जगह को आपको दिखा पाएँ और दुनिया को बता पाएँ कि यहाँ पर एक प्राचीन कालीन सभ्यता का एक गांव था जिसमें कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं आज भी, जिन्हें आज तक न खोजा गया न जिसके बारे में सोचा गया।